दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा कर पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा उलटफेर कर दिया। जहां ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, तो ही श्रीलंका टीम को काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में। दोनों ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कौन से पायदान पर है, वहीं कौन कौन सी चार टीमें हैं जो टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाई से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो सबसे पहले बात देखते हैं ग्रुप टू के पॉइंट्स टेबल की। तो पहले नंबर पर पाकिस्तान टीम है। पाकिस्तान अब तक दो मुकाबला के लिए और दो मुकाबले में दोनों में ही जीती है। वहीं इस टीम के पास टोटल 4 पॉइंट है, नेट रनेट प्लस 0.738 है। वहीं दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है, एक मैच के लिए और एक मैच में इस टीम को जीत मिली है। वहीं टोटल इस टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट रनेट प्लस 6.500 इस टीम का नेट रनेट है। वहीं तीसरे नंबर पर जो टीम है वो है नामीबिया। नामीबिया एक मुकाबला खेली और एक मुकाबले में इस टीम को जबरदस्त जीत मिली है, जहां इस टीम के पास हो चुके हैं टोटल 2 पॉइंट। नेट रनरेट की बात करो तो प्लस 0.550 नामीबिया का नेट रनरेट है। वहीं चौथे नंबर की बात करो तो चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड टीम है, एक मैच के लिए एक मैच में इस टीम को हार मिली है। वहीं इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, नेट रनरेट -0.532 न्यूजीलैंड का नेट रनरेट है। वहीं पांचवें पायदान पर है टीम इंडिया। टीम इंडिया अब तक एक मुकाबला खेली और एक मुकाबले में इस टीम को हार मिली है। वहीं इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, नेट रनरेट की बात करो तो -0.973 इस टीम का नेट रनरेट है। वहीं सबसे आखिरी पायदान पर स्कॉटलैंड, दो मुकाबला खेली और दोनों मुकाबले में इस टीम को हार मिली है। वहीं इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, नेट रनरेट की बात करो तो -3.562 स्कॉटलैंड का नेट रनरेट है। वहीं अब बात कर लेते हैं ग्रुप वन की। ग्रुप वन में पॉइंट टेबल में पायदान पर वो टीम है इंग्लैंड। इंग्लैंड टीम अब तक टोटल 2 मुकाबला खेली और दोनों ही मुकाबले में इस टीम को जबरदस्त जीत मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 4 पॉइंट है, नेट रनरेट की बात करो तो +3.614 इस टीम का नेट रनरेट है। वहीं दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया टीम। आज श्रीलंका से जीतने के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गई, जहां इस टीम ने टोटल 2 मुकाबले खेले और दोनों ही मुकाबले में इस टीम को जीत मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल हो चुके हैं 4 पॉइंट। नेट रनरेट भी इस टीम का काफी बेहतर हो चुका है। वहीं तीसरे पायदान पर खिसक चुकी है श्रीलंका टीम। अब तक 2 मुकाबला खेली और 2 मुकाबले में इस टीम को एक मैच जीत मिली, तो वहीं एक मैच इस टीम को हार मिली। इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है, नेट रनरेट प्लस में इस टीम का नेट रनरेट है। वहीं चौथे पायदान पर जो टीम है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका अब तक 2 मुकाबला खेली है और 2 मुकाबले में एक मैच जीती है, एक मैच जबकि इस टीम को हार मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है, नेट रनरेट भी प्लस 0.179 साउथ अफ्रीका का नेट रनरेट है। वहीं पांचवें पायदान पर जो टीम है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश अब तक 2 मुकाबला खेली है और 2 मुकाबले में 2 में ही हारी है। वहीं इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, नेट रनरेट की बात करो तो -1.655 इस टीम का नेट रनरेट है। वहीं सबसे आखिरी पायदान पर वेस्ट इंडीज टीम है। वेस्ट इंडीज टीम अब तक 2 मुकाबला खेली है और 2 मुकाबले में इस टीम को बहुत ही बुरी तरीके से हार मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है, नेट रनरेट की बात करो तो -2.550 वेस्ट इंडीज का नेट रनरेट है। तो दोस्तों ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का नया पॉइंट। इनमें से आपकी फेवरेट टीम कौन सी और आपको क्या लगता है कौन सी वो चार टीमें रहने वाली हैं जो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जो तीन टीमें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाई से पहले बाहर हो चुकी है, उनमें वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड है। ये चार टीमें बाहर हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।